हेलो दोस्तों, ये सैमसंग A22 5G मोबाइल है। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। इसमें जो है कस्टमर का कहना है कि काफ़ी स्लो चार्ज होता है ये, और कभी कभी बिल्कुल ही चार्ज नहीं इसमें बढ़ता है, और ऐसे मतलब चार्ज कभी होता है कभी नहीं होता है। और अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल ही चार्ज नहीं हो रहा है, और प्रॉब्लम कुछ दिन से आ रहा है। कस्टमर का कहना है कि कभी चार्ज दिखाता है, कभी बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है, काफ़ी समय लगाने के बाद भी बहुत कम चार्ज बढ़ता है, और अभी बिल्कुल ही चार्ज नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास लाए हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम कुछ समय इसको चार्ज में लगा के यहाँ चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम कस्टमर बता रहे वो है या नहीं है। तो चलिए अभी 23% है, और एक मिनट लगा के देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि अभी हमने इसमें फास्ट चार्जर लगाया है। देखते हैं फास्ट चार्जर से भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि अभी इसमें चार्जिंग शो कर रहा है। तो इसका अभी चार्जिंग पिन और इसका चार्जिंग का जो सप्लाई है वो सही है, आईसी तक पहुंच रहा है, तभी ये सिंबल शो कर रहा है। इसका जो बैटरी का बीसीसी पॉइंट होता है वो भी सही है, और अगर ये सही होता तो चार्जिंग का सिंबल जो है आपको दिखाएगा, बट चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम होती है, और आजकल चार्जिंग आईसी या पावर आईसी सेम कर दिया है 5G मोबाइलों में, तो पावर आईसी से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसे छेड़ने में थोड़ी परेशानी होती है ठीक करने में। तो चलिए देखते हैं, अभी ये एक मिनट हो चुका है, अभी भी ये 23 का 23 ही हुआ है, देख सकते हैं ये 23 से आगे 1% भी नहीं बढ़ा है फास्ट चार्ज लगाने के बाद भी। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चार्जिंग का जो पत्ता है, ये जो मेन बोर्ड से कनेक्ट है, उस पर चेक करना होगा कि हमारा वोल्टेज जो है 5.4 समथिंग या 5 पॉइंट तक करंट आना चाहिए इस पर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर अभी कितना करंट आ रहा है। तो चार्जर को कनेक्ट कर देते हैं, मीटर को जो है 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 वोल्ट चाहिए, और जितना वोल्ट आपको चाहिए होता है उससे आपको ज़्यादा पे सेट करना है, तो लास्ट इसमें 200 तक है। तो अभी चलिए हमने इसे 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है, और चलिए इसका एक सिरा माइनस और एक प्लस पर रखते हैं। तो देख सकते हैं वोल्टेज जो हमारा 5.4 आ रहा है, इसका मतलब हमारा चार्जिंग पिन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर देंगे और बैटरी पॉइंट पे चेक करेंगे कि वोल्टेज वहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों चार्जिंग पिन ना चेंज करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और आपकी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए चार्जिंग पिन सॉल्व ना करें। क्योंकि मैं भी इससे पहले कई फ़ोनों में ऐसी प्रॉब्लम है, चार्जिंग पिन चेंज कर देता था, तो शायद बहुत कम ऐसे फ़ोन जो देखे वो भी वीवो MI ओप्पो में जो नॉर्मल पिन होता है वही ठीक हो जाते हैं, बाकी सी टाइप ठीक नहीं होता है। सी टाइप में मतलब चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद भी ये जो फेक चार्जिंग दिखाते हैं ये सही नहीं होता है, तो इसमें पिन ना चेंज करें। आप पहले पत्ते पे चेक करें, अगर सही करंट आ रहा है तो आप पिन चेंज ना करें। अभी देख सकते हैं यहाँ BCC में 1.63 के लमसम में आ रहा है, और जो हमारा मेन सप्लाई है उस पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ये BCC का करंट है, तो ये सही है।
और जो मेन सप्लाई है बैटरी कनेक्टर पे उस पर बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा, और ये चार्जिंग का जो पॉइंट है उस पर सप्लाई आ रहा है, लेकिन बैटरी पे जो है वह करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ भी करंट नहीं आ रहा है, 76 वैल्यू आ रहा है सिर्फ, करंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यह चार्ज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दोस्तों आईसी की प्रॉब्लम है, आईसी से जो सप्लाई आनी चाहिए बैटरी कनेक्टर पे वह नहीं आ रहा है, जिसके कारण परसेंटेज जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो चलिए हम इसे जैक को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चार्जिंग जैक और ये पत्ता जो है वो बिल्कुल सही है, और मेन बोर्ड पे भी जो है एक पॉइंट होता है चार्जिंग के लिए, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू आ रहा है, सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे कोई भी करंट नहीं आ रहा है। पीसीसी पॉइंट भी हमारा सही है, बैटरी तो अभी फ़िलहाल 23% चार्ज है, तो बैटरी भी ठीक ही है। तो चलिए हमें अभी जो बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई नहीं आ रहा है उसको चेक करेंगे। दोस्तों ये 5G मोबाइल है, और इसमें क्या होता है कि आपको पावर आईसी में ही इसकी चार्जिंग आईसी की भी सप्लाई दी होती है सैमसंग में कई सारे मॉडल में, तो उसे छेदेंगे तो फ़ोन ऐसे कंडीशन में बंद भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक जीनर लेंगे और एक जम्पर लगाएंगे जहाँ से हमें चार्जिंग का पॉइंट का वैल्यू मिल रहा है 4 पॉइंट समथिंग, वहाँ से एक जम्पर लेंगे और बैटरी कनेक्टर पे नहीं लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर के बगल में भी एक पॉइंट होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको लगाना है। ये आप चेक कर सकते हैं, बीप पे रख के आप बैटरी कनेक्टर से उस सारे पॉइंट पे चेक करेंगे, कोई ना कोई एक पॉइंट होगा बैटरी कनेक्टर के नज़दीक ही जिस पे वो बीप करेगा, तो वहीं पे आपको जम्पर लगाना है मेन सप्लाई में, और जो हमारे चार्जिंग कनेक्टर है ये पत्ता है वहीं के बगल में भी एक पॉइंट होता है। तो अभी मैं लगा रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है और जीनर लगा दिया है, और देख सकते हैं अभी इस पर बैटरी कनेक्टर पे वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं ये डिस्प्ले का जैक था और ये है हमारा चार्जिंग का जैक जो पत्ता है। चलिए हम इसे लगा के चेक करेंगे तभी करंट शो करेगा। तो हमने लगा दिया और देख सकते हैं अब बैटरी पॉइंट पर भी 4.95 वैल्यू आ रहा है। तो अभी हमारा बैटरी जो है वह 100% चार्ज होगा। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि जीनर में भी आपको ध्यान रखना होता है उल्टा सीधा, जिससे फिर बैटरी से रिटर्न करंट चार्जिंग जैक पे ना जाए, तो उसमें भी आपको देख के लगाना होगा। तो मैं कैसे लगाया हूँ इसमें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे चेक कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू जो है अभी दिखा रही थी, फ़िलहाल अभी नहीं दिखा रही है, रुक गया है करंट, अभी जस्ट वैल्यू दिखा रहा था बैटरी कनेक्टर पे, लेकिन अब फिर से दिखाने लगा है और देख रहे हैं दिखा रहा है और रुक जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हम दूसरा डायोड जीनर लगाएंगे, तो ये जीनर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये कभी वैल्यू दे रहा है और कभी नहीं दे रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो आप ये ना सिर्फ जीनर लगाने के तुरंत ही बाद आप सोचें कि ये तो चार्ज नहीं हो रहा है, तो कभी कभार जीनर में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए अभी हम दोबारा जो है इसका जीनर चेंज कर देंगे और फिर चेक करेंगे। तभी हम फ़ोन की भी हेल्थ चेक कर लेते हैं बीप पे कि फ़ोन में कहाँ तक प्रॉब्लम है,
फ़ोन कहीं शॉर्ट तो नहीं है? वैसे फ़ोन शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि फ़ोन अभी ऑन है, फ़ोन शॉर्ट नहीं होगा। फिर भी फ़ोन का एक बार हेल्थ चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये 1300 पे वैल्यू आ रहा है, मतलब फ़ोन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसीलिए जो करंट बैटरी के तरफ से जो हम वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रहा है, मतलब वैल्यू जैसे ही आईसी के पास जा रहा है इधर से बैटरी से, वैसे ही उसको ड्रॉप कर रहा है, जिसके कारण कभी वैल्यू दिखा रहा है और कभी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसकी समस्या का समाधान कैसे होता है। तो चलिए हम पहले दूसरा जीनर भी ले लेंगे और देखेंगे दूसरा लगा के, क्योंकि ये जीनर भी काम करना बंद कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई तो अभी फ़िलहाल ठीक है और वैल्यू भी ठीक ही है। तो चलिए दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं। देख सकते हैं ये जीनर जो है अभी हमने लगाया है, तो ब्लैक को आपको बैटरी के कनेक्टर की तरफ रखना है और एक तरफ जीनर में भी एक डॉट सा होता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए अभी हमने फिक्स कर दिया दूसरा, अभी ये 24% चार्ज है और देखेंगे कि आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और जीनर गर्म हो रहा है तो उसके नीचे आप फिक्सिंग सही से करें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो फ़ोन में। तो अगर जीनर गर्म होता है तो आप दूसरा जीनर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जीनर भी लगाने के लिए मतलब कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, कभी चार्ज दिखाता है या नहीं दिखाता है, या जीनर थोड़ी देर के बाद ही ख़राब हो जाता है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आता है, तो आप दूसरा जीनर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा ये जीनर ठीक है, गर्म भी नहीं हो रहा है और चार्ज देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर इस जुगाड़ से हमारा काम हो जाएगा तो हम आईसी को नहीं छेड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम आईसी पे काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। चलिए कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और चार्ज होने देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो देख सकते हैं चार्ज जो है हमारा बढ़ रहा है, अभी फ़िलहाल एक मिनट के अंदर ही ये 25% हो गया और ये मुझे अभी आधा घंटा हो गया इसे लगा के। तो देख सकते हैं ये 50% जो है बैटरी हो चुका है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो गया है विदाउट आईसी चेंज किए हुए।